आईएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया गया। मामला पिछले महीने का है, जब जनक प्रसाद पाठक जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर के पद पर तैनात थे। आरोप है कि कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 15 मई को महिला को अपने दफ्तर में बुलाया और उसका बलात्कार किया। पीड़ित का आरोप है कि ये भी कि पूर्व कलेक्टर ने उसके पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी, साथ ही उसे फोन पर कई अश्लील मैसेजेस भी भेजे। 26 मई को आईएएस अधिकारी पाठक का तबादला राजधानी रायपुर में लैंड रिकॉर्ड विभाग में डायरेक्टर के पद पर हो गया था, जिसके बाद पीड़ित ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मुझे लेके गए, मेरे हाथ को पकड़े थे बाजू को और वो अंदर निकल के खुद भी चले गए और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से और वो फिर मेरे साथ बलात्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से हजारों फोन चलाने का मामला सामने आया और इससे हड़कंप मच गया। IMEI एक ऐसा नंबर होता है जिससे मोबाइल फोन की पहचान होती है और एक से ज्यादा फोन में एक जैसे IMEI नंबर नहीं हो सकते, लेकिन मेरठ पुलिस के साइबर सेल ने इस बात की जानकारी दी कि एक ही IMEI नंबर से 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन चल रहे हैं। ये बात तब सामने आई जब पुलिस के एक अधिकारी ने अपना मोबाइल फोन सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए दिया था, लेकिन रिपेयर के बाद उनके मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदल गया, जिसके बाद साइबर सेल में फोन के IMEI नंबर की जांच की गई, जिसमें पता चला कि देश के अलग अलग राज्यों में 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन इसी IMEI नंबर से एक्टिव है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नियमों के अनुसार एक मोबाइल फ़ोन का केवल एक ही एक से ज़्यादा फ़ोन में सेम IMEI मोबाइल नहीं IMEI नंबर नहीं हो सकता है, तो ये वाकई ही थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर यह टेक्निकल त्रुटि है तो उसकी भी जांच हो जाएगी और यदि यह कोई और मामला है तो इसमें ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो में सुनील ग्रोवर प्याज काटते नजर आए। सुनील ग्रोवर ने मजाक में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से दफ्तर का काम कर रहे लोगों का क्या हाल है। इस वीडियो में कर्मचारी बने सुनील ग्रोवर अपने अधिकारी से बात करते समय प्याज काटते नजर आए। Your guidance makes me emotional, sir. Nothing else. Thank you, sir. Thank you. Thank you. विश्व पर्यावरण दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में बेल का एक पौधा लगाया, साथ ही लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का काम देखने वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के दफ्तर में तय वक्त पर अमरनाथ धाम की पूजा की गई। हालांकि बोर्ड ने बताया कि अमरनाथ यात्रा पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, जैसी यात्रा डिसाइड की जाएगी उसी हिसाब से प्रबंध किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना पहुंची केंद्र की एक टीम ने अम्फन तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। केंद्र की इस टीम को राज्य के मेहमान का दर्जा देने पर बीजेपी ने तंज कसा कि इस बार ममता सरकार ने पैसे लेने के लिए ऐसा किया, जबकि कोरोना वायरस के समय आई टीम पर राज्य सरकार ने अपनी आपत्ति जताई थी। सिर्फ ये सरकार पैसा पहचानते है और कुछ नहीं पहचानते है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है।